शुरुआत आपसे ही करते हुए नुपुर शर्मा जी, मुरलीधारी वेश बदलकर आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ये कैंपेन सॉन्ग समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह से देख रही है बीजेपी इसको? देखिए नमस्कार चित्रा जी, आपको, सारे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। घोर कलयुग तो समाजवादी पार्टी में आ ही चुका है, आज ये साफ हो गया है। भगवान को और कितना अपमानित करेंगे कि खुद को ही भगवान बता दिया, और इनके वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी भी कर दिया, जो सपा नेता कोई भाटिया जी है उन्होंने लिखा है। मतलब शर्म नहीं आती? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि खुद को विष्णु अवतार बताने वालों ने एक जमाने में विष्णु अवतार के भक्तों के ऊपर गोली चला के उनकी कैसे बेगुनाहों की मौत करी थी, और ये तक कह दिया था कि और मारेंगे। कौन थे वो लोग? राम भगवान के भक्त थे, कार सेवक थे, साधु संत थे। अपने आप को आज विष्णु अवतार कृष्ण भगवान बता रहे हैं? पहले इसी सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले बताइए ब्रिज के लिए क्या किया है अखिलेश यादव जी ने, सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल बताइएगा, चलिए बोलिए, क्या अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा लेके चलेंगे क्या चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जी? जवाब दीजिए, मथुरा के लिए क्या किया? तीसरी बात, आज तक ब्रिज की होली खेलते हुए मैंने तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे आज तक तो नहीं देखा। वहीं पे योगी जी जरूर गए थे, और उसके लिए ये तमाम विपक्षी दलों ने कैसे तमाशा बना दिया था कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद बरसाना की होली कैसे खेलने चले गए। दूसरी बात कहूंगी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अपने आप को भगवान की तुलना करने वाले आए दिन हमारे हिंदू भगवान को गाली देते हैं, राम भगवान के ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो बेतकी उंगली उठाई है, आपने किया क्या? आपने मथुरा ब्रज के लिए ही क्या किया? अब मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव राय जी, डेढ़ मिनट आपको देते हुए, क्या भगवान कृष्ण से खुद की तुलना की जा रही है जिस तरह का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है? और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे ये है, ये मुरलीधारी बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? चित्रा जी, जिसकी जैसी सोच होगी उससे आगे सोच ही नहीं सकता। जब अंधभक्ति आंखों पर छा जाती है ना, तो जो पढ़ाया जाता है तोते की तरह वही रटा जाता है। जो 2022 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आप महिला हैं इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद है। आपको 24 फरवरी 2019 की घटना याद होगी, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर छुए थे। उस पहली महिला का नाम था शीतल। शीतल सफाई कर्मी है, और जब कोरोना में बीमार हुई तो उसको इलाज नहीं मिला, 35,000 रुपया 10% ब्याज पर उसने लेके इलाज कराया, और जितने दिन इलाज कराया उसका तनख्वाह भी काट लिया गया, और किसी सफाई कर्मी को आज न खाने के है न कोई बच्चा पढ़ रहा है। विकास इस चुनाव जो होगा इस मुद्दे पर होगा। आप भी हमारे तरफ की हैं। पहला हमारे मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था 100 दिनों में गड्ढा मुक्त। जब आप अपने गांव जाती होंगी, जिले में जाती होंगी, अगर गड्ढा मुक्ति मिलती ही होगी सड़कें, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नौजवानों का रोजगार, बेरोजगारी, लाइन ऑर्डर, ठोक दो पुलिस, आज आपने देखा अखबारों में, समाचार पत्रों में, पुलिस कुर्सी और स्टूल लगाकर घूम रही है, अपना बचाव कर रही है। 100 डायल 100 वाले पुलिस को इन्होंने क्या बना दिया? मुद्दा तो चुनाव का ये होगा, चाहे जितना भरमा ले। और फिर मैं बोल रहा हूँ, कफन चोरों और चंदा चोरों से, भगवान राम को बेचने वालों से हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे घर में राम मंदिर है और माननीय अखिलेश यादव के घर में कृष्ण मंदिर है, हमें किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कृष्ण का संदेश क्या है? संदेश हमें क्या है? समय अब खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था, इतने कामकाज हैं, इतने मुद्दे हैं अगर बीजेपी के अगेंस्ट में आपको बोलने के लिए, तो ये मुरलीधारी से तुलना करने की क्या जरूरत थी? सवाल तो ये था ना, लेकिन आप बात को गोलमाल घुमा गए। दोबारा मैं लौटूंगी, बाकी दो लोगों को भी बोल लेने देते हैं, उसके बाद राजीव जी मैं आऊंगी। अखिलेश जी, ये जो गाना है कैसा लगा आप लोगों को, समाजवादी पार्टी का? देखिए चित्रा जी, लगभग 29 वर्षों में भाजपा, सपा, बसपा, ये सब टेस्टेड और रिजेक्टेड हो चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस से ही जनता इंटरेस्टेड है, और कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है प्रियंका जी के नेतृत्व। उसका कारण क्या है कि ये लोग लुभावने बातें करके सत्ता में आ जाते हैं, एक भी अपने मैनिफेस्टो का पहले पन्ने से मैं शुरुआत कर सकता हूं, एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी गिना सकता एक एक पॉइंट के, और बातें करेंगे बस, ऐसा लगता है वैसा लगता है। वैसे चुनाव के पहले तक उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी दो फाड़ होने जा रही है। यहाँ योगी जी कहते हैं हम रहेंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं नहीं वो नहीं रहेंगे, अभी तय नहीं है, और बंटवारा होने जा रहा है। बहुत जल्द ही 250 विधायक विधानसभा के अंदर जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ कानून व्यवस्था और फिलोर के खिलाफ धरना दे चुके हैं, और दूसरी पार्टी में भी यही हाल है। पहले आपस में लो निपट लें,
जनता की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है पिछले 5 वर्षों में प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जनता को सिर्फ उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। मैंने कहा ना, ये सब लोग टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं, कांग्रेस पार्टी में ही जनता इंटरेस्टेड है। ये लोग न कानून व्यवस्था की बात करते हैं, न विकास की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। 40 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा यूपी के